आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और अमर जी, कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है जी। क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या सुनाएंगे, क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह, क्या खजाना है विविध भारती का। जी, तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी। देखिए, ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं, वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की। बिल्कुल। तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा। बिल्कुल। तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं। बिल्कुल। अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार जी, और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं, मैं नाम बता रही हूँ और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा। बिल्कुल ठीक। तो आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल जी। सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे? सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें जी जी, रीमा लागू जी का। बिल्कुल। रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्म जी, लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था जी। दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं मैं। श्रीमान श्रीमती में तो ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं मैं में ये सास बनी थी, और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया पिलगांवकर, उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था। अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भादभड़े जी। 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया, मात्र 59 वर्ष की आयु जी। बहुत कम उम्र में वो चली गई। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था। हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि रीमा जी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम करती रही हैं जी। मराठी में इन्होंने काम किया, फिर मराठी फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, इस तरह से इनकी जर्नी चलती रही। और जब सूरज बढ़ जाते ने हम आपके हैं कौन फिल्म प्लान करी तो उस दौरान मनीषा जी हुआ क्या कि वो फिल्म को पूरा एक नया लुक दे रहे थे सूरज बढ़ जाते जी। वो आपको तो पता ही है कि नदिया के पार का रीमेक था वो। जी हाँ, एक अर्बन नदिया के पार कह लीजिए जी जी। और उसमें इनकी कोशिश थी सूरज बढ़ जाते हैं कि सब कुछ एकदम मॉडर्न हो, पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत चेहरे, बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट जबरदस्त जी। अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात परिवार की एक कमांडिंग मदर हो। मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ, ये बिल्कुल सही शब्द आपने पकड़ा जी। और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी और फिर वहीं अटक गई। और कितनी हसीन लगी है उस फिल्म में, बिल्कुल वात्सल्य की मूर्ति रीमा लागू, और उनके पीछे वो छुप के माधुरी दीक्षित का कहना माई री माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अमर जी आपने कहा था गीत सुनाए, बिल्कुल तो गाना सुनते हैं उसके बाद बातचीत सुनेंगे जी। माई माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा,
उस जो गीते संग में भी तू कर दे अब कुड़माई। इन हाथों में लगा दे मेहंदी, इन हाथों में लगा दे मेहंदी, बांध शगुन का धागा जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। माई नी माई मुंडे रूप तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। मनीषा जी, गाना तो आपने सुनवा दिया, लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है इनकी। बिल्कुल, और रीमा जी की एक बहुत प्यारी बातचीत हमारे पास है। तो फिर देर किस बात की? बिल्कुल, बातचीत उनसे की थी यूनुस खान ने, तो उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू। रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया, इट्स माई प्लेजर। एक्चुअली रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी। जी जी। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था, तो अच्छा। कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था जी, जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी। ये जो रेडियो का दौर है, ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है। एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है, जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। और भी कंपटीशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है, ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आज। यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है बिल्कुल। लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था? वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी, तो आई थिंक वहां से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज। घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे? हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं। फिल्म में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया। बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ। कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स, वो सारा माहौल कैसा था? एक्चुअली इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो। एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है जी, यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं, यू ग्रो करते, ग्रो करते हैं एज एन आर्टिस्ट। और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है। फिर खाने पीने की कोई सुध नहीं और वो, हाँ, एक वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी। ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था? ऐसे प्लेज मैंने काफी किए हैं, बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके, या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई, वो था पुरुष करके, जयवंत दलवी जी का प्ले था, जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था। बाद में उन्होंने दोबारा, वो हिंदी में हुआ जी, मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट आई कैन से। वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं उन्होंने आपको मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना, लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी, शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूँ। जी मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था। अच्छा। तो इसलिए मुझे हंसी आई, रोल नहीं था मेरा कुछ, मुझे लावणी से बहुत लगाव था, ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो। जी। सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था, वो लगातार दोनों फिल्म में मेरे ख्याल से, कलयुग भी आई थी उसी वक्त एंड आक्रोश भी आई थी। जी। उसके बाद अगेन देयर वाज अ बिग गैप। लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थी? हाँ, सिंहासन आई थी और 2-3
माझा घर माझा संसार, हाँ माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपाट आई, ननंद भौजे आई थी, कह सकते। तो आपकी मराठी सिने यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, तू सुखी रहा है, काफी फिल्में की थी मैंने, बट सिंहासन, फिर ये ननंद जो अभी मैंने बताई, वही फिल्में मैंने, मेरी शुरुआत हुई थी। कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में एज अ लीडिंग लेडी, उसके बाद फिर गैप आया। एंड देन और रंगमंच तो आपका चल ही रहा था? हाँ, वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था। अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ? एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था, उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में, उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा जी, और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में। तो मैं वहां गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग, तो मुझे पता नहीं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वॉज नरेटिंग मी द स्टोरी। मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे वैसे ही आप शूट करेंगे? बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे? मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ और जाता है जी। तो बोले नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, यू नो। तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं, एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट, एंड राजश्री पीपल दे आर रियली वेरी नाइस पीपल, लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है, यू नो जी। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है, तो ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है। मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने माँ की भूमिका की होगी जी, और उसके बाद फिर एक फस तरह गई से वो फंस गई मैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी? मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है, हंसने हंसाने में बड़ा मजा आता है, सीरियस में थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को, यू नो, बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट आई फील। लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है, बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है, जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है। तो कैसे वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था? मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है, बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल पूछती नहीं हूँ। एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की, वेन एवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट। तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है, तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं। एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं, एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चालसी बट उससे थोड़ा बढ़के, बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफेयर, टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफेयर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने देख चुकी थी मैं जहां रह रही थी, तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं, या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली। जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से निकला बाहर आया, तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये रोल का ग्राफ है, वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है। तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं, उस वक्त पता चलता है, बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है, देन वी टेक द प्रिकॉशन की पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, यू नो। तो जब मैंने वो सीन किया, उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे। काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा, जब आपने आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि अभिनेत्री एक तरफ हो गई और कैरेक्टर आगे आ गया। कई लोगों का ऐसा कि नहीं नहीं माँ है, मार कैसे सकती है। अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल। अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं को बड़ा यादगार मानती हैं, जो आपके अपने दिल के करीब हैं? आशिकी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है औरत के, बिकॉज ज्यादातर के अपने यहाँ पे हिंदी फिल्मों के रोल्स एक ही ढांचे के रहते हैं, तो उसमें अलगपन बहुत कम जगह मिलता है, तो उसमें से इसलिए मुझे आशिकी का जो प्रोग्रेसिवनेस था उस औरत का दिखाया था, सिंगल लेडी हु इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो ग्राफ मुझे अच्छा लगा था। बाकी ऐसे नहीं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है जी। और एक मराठी फिल्म आई कैन से आपली मानसकर के था, उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। किस तरह का रोल था? इट वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, बट इट वॉज आई डोंट नो, मुझे करते वक्त मैं अभी तक उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में है।
रीमा जी, आप किस तरह का संगीत पसंद करती हैं? मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है और हिंदी फिल्मों का संगीत या मराठी गाने, बट वेस्टर्न का मुझे पता नहीं है, या शायद बचपन से कभी सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं था उस वक्त, तो मम्मी और डैडी के साथ मैं कभी क्लासिकल गाने बहुत सुनती थी, कोई प्रोग्राम्स को जाती थी, तो क्लासिकल अच्छा लगता है और लाइट। आज भी शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जा पाती हैं आप? कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभार अगर वक्त मिला तो मैं जाती हूँ। किशोरिया मुनकर जी का गाना मैंने सुना है, देन वीणा सहस्त्रबुद्धे जी मुझे अच्छी लगती है, और देवकी पंडित है, काफी आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है उनके गाने, भीमसेन जोशी का मैंने गाना सुना है, जो मुझे बहुत ही, यानी वो एक प्रेरणा मिलती है उनका गाना सुनू, उनकी जो आवाज है ना उससे अंदर हो जाता है, एंड यू गेट द स्ट्रेंथ। बिल्कुल भारतीय संगीत का गंधर्व सुर है वो। जी बिल्कुल, मैं बहुत आवाज की उनकी तारीफ करती हूँ। आइए एक गीत सुन लिया जाए। जी बिल्कुल, भीमसेन जी का एक अमोल जी की फिल्म थी अनकही, हाँ उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना है भीमसेन जी का। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुम हो गरीब नवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उधारन विरत तिहारो, पतित उधारन विरत तिहारो, श्रवणन सुनिया पतित उधारन विरत तिहारो, श्रवणन सुनिया हूँ तो पतित पुरातन करे रे, हूँ तो पतित पुरातन करे रे, पार उतार जहाज, रघुवर पार उतार जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। जन के यही त्योहारों का अघखंडन दुख, भंजन जन के अघखंडन दुख, भंजन जन के यही त्योहारों का, रघुवर यही त्योहारों का, तुलसीदास पर कृपा
दे भक्ति दान दे भुलाद रघुवर भक्ति दान दे भुलाद रघुवर तुम को मेरी राज रघुवर तुम को मेरी राज सदा सदा मैं चरण तिहारी सदा सदा मैं चरण तिहारी सदा सदा मैं चरण तिहारी तुम हो गरीब निवाज रघुवर तुम हो गरीब निवाज रघुवर तुम को मेरी लाज रघुवर तुम को बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं। सच में खैर ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया सज्जन जी, जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे वो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्रदराज लोग नहीं हैं, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं। उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का जी। मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाएं। सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको। फिलहाल उस म्यूजिक को सुन लीजिए क्योंकि उससे ही आपको बड़ा मजा आ जाएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये थे विक्रम और बेताल के सज्जन, और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था। और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित हो जाएंगे। इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे। और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था। और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुकाव शुरू से रहा और ये गीतकार बनना चाहते थे जी। और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी। आप बेहतर जानते हैं, गढ़ था उस समय फिल्मों का जी, जी जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी जी। हाँ। और यही वो दौर था जबकि इनको मासूम चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं और वहां से ये आ गए मुंबई। और यहां आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब जी। हाँ। जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब क्या लोग जानते हैं उनको, ऐसे बड़े बड़े नाम जी। और उसके बाद तो इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रूपए से शुरुआत हुई थी। 35 रूपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन साहब ने लिखे थे। और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे। एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे। अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
क्या बात है। आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी। हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे। मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं, तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में। अब ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है। जॉनी मेरा नाम जी, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को? राय साहब भूपिंदर सिंह जी, जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रणजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है। जी हाँ, वो और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है। वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी। याद दिलाइए, चलती का नाम गाड़ी। हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार सज्जन साहब का था और थोड़ा सा थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं। बिल्कुल सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट से या कि हीरो से? आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे। अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर हमने ज्वाइन किया, वहाँ कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया, फिर फिल्मों में हीरो बने, काफी अरसे तक हीरो रहे। नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुढ़े हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे। लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? बिल्कुल नहीं अजीब लगता, हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। आजकल आपको अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्म में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर? नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था, और इत्मीनान से फिल्म बनती थी, तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो की वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे, और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट हैं, तीन तीन शिफ्ट हैं, अब कोई आदमी सिर्फ 2-3 घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में 5-6 जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का, और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके तो नजर घड़ी पर है, अभी ये आया है, अभी 1-1.5 घंटे में भाग जाएगा, तो अब वो बात रही नहीं, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके वन मैन शो करते हैं अपना, मतलब एक शो करते हैं समझो कि 6-8 महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है, शाइलॉग भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं समझे, गुरुदेव टैगोर का करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूं इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं, हमने अब तक 74 शो किए हैं समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए, तो कहने का मतलब ये है कि हम हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते, अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़, इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए न तो दखल देता हूं और न ये उम्मीद करता हूं कि मेरे दखल देने से यहां कुछ होने वाला। मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही? सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर, बस ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिली, थिएटर में या कि फिल्मों में? हमेशा थिएटर में, हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी, हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे समझे।
अभिनय तो उसने भी बराबर करना है, और आज का जमाना एक ऐसा आया है कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय। हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल तकरीबन 90% लोग हैं वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें। आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है समझे, और कम से कम वहाँ 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछिए कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग, काफी लोग जो शहर मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए समझे, एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर। जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप भी फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में देखिए पोएट्री वगैरह लिखते हैं क्या? ये भी लिखता हूँ, इसमें क्या चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, हमने कुछ गीत लिखे हैं समझे। हम शुरू शुरू में मतलब इंडस्ट्री में जब आए तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर ही के तौर पे आए थे। फनी मजुमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे समझे। आप क्या क्या करते थे? क्या कमाल है, वो मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूँ। जब चीन ने अटैक किया था 1962 की बात है शायद समझे, उस वक्त हमने काफी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, 4 एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं समझे। और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं, ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है, तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजाम, तो ये तो आ जाती है, तो लिख देते हैं समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता हूँ, और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ, तो हम अपना जी बहलाते रहते हैं समझे। तो वो है, बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है समझे। और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जब सारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन से सरचार्ज्ड हो जाएगा तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है समझे। तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं और वायदा किया अपने आपको 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है। मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया जी हाँ। अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले तू बोला तो मैं चला। सच कहा विक्रम, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं। श्रोताओं, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता। वैसे ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की,
और बन गए निर्माता निर्देशक। और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि डन टन टन, वो फिल्मों में नहीं होता है, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं। आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की ये वो दौर की फिल्म है ना। हाँ। कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा फिर क्या होता? क्या होता? अमिताभ बच्चन आता है और मोटरसाइकिल चलाता है और उसके बाद क्या, डन टन टन, बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे। हाँ। सुनते थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो ढेंटन टेन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी। जी हाँ। और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा, आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ। बताइए। वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता। बात है, बहुत प्यारा गीत है। न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता। तो अमर जी, आपने इतनी प्यारे गीत को याद दिलाया है जी, सुनना पड़ेगा और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को। तो चलिए सुन लेते हैं। अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता तो टूटता न फूटता, मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता। अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता तो टूटता न फूटता, मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता। अगर दिल हमारा एहसास होता खुशी में खुशी का, ना एहसास होता खुशी में खुशी का, ना महसूस होता ये गम जिंदगी का। वो प्रीतम की गलियां नहीं ना सही, मुकद्दर में कलियां नहीं ना सही, ये चुन चुन के कांटों की माला न पिरोता। अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता तो टूटता न फूटता, मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता। अगर दिल हमारा। अमर जी, जी। क्या गाना, वाह। बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता। जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक जी 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बहुत कुछ खाली हो गया। लेकिन तो खैर सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, यह अटल सत्य है। बहरहाल 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था प्रकाश मेहरा साहब का। और फिर ये आ गए मुंबई, आए तो थे ये गीतकार बनने मनीषा जी जी, लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी, शशि कपूर साहब की, बिल्कुल। और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
कौन सा वाला गाना? हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो इन्हीं का था, और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह, याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आपकी जबान से। ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया, जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर। मनीषा जी, फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल, आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे। बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए। अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी जी। पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए चार पांच गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे जी। और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जलों का दिल जला के, प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया, एक और था गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती हैं गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था? आप ही बता दीजिए ना। गीतकार गुलशन बावरा थे वो। क्या बात है, जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा। देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई। अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मैं तो रोमांटिक फिल्मों का हीरो हूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की जी। अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी। अच्छा। लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने सलीम साहब ने उनसे। अच्छा। और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए। और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास, लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे जी, उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे, यही मुंबई में। और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे जी। और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे। तब जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो। क्या बात है, कहां से कहां, कैसी बातें निकली। अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार जी। हाँ। तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे मनोज कुमार, उसमें एक खान का किरदार था। अच्छा। और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे। वाह। और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया। क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओ, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दें जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अभी सुनवाए इस रिकॉर्डिंग को। बिल्कुल। प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी। प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ, मुंबई किस उम्र में आया? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था फिल्म डिवीजन में, इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे,
तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थे। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलने। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को, मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, सब वहां दीवार पे बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे वहाँ, मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है। अब ये माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कह लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है भाई, काबिलियत है तो करो यार, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला, तो विनोद ने बोला कि मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आपके यहाँ काम करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं, रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ। वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे, वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर। तो प्रकाश जी, आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री? आए थे राइटर बनने। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं, तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे। मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया, तो वहीं हमारी फिर दोस्ती हो गई काम करते करते, मोहन सहगल के और उसके यहाँ। तो हमारे दोस्त थे इंदू भूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदू भूषण से दोस्ती हो गई। इंदू भूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदू भूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदू भूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे 1 साल मोहन सहगल के साथ और काम करने थे। विल मेक ए फिल्म, और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से, मोहन सहगल के वहां से एस एम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब 1 साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। 1 साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदू भूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की, नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जब मोहन सहगल के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई, किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपा राय जयराज को लेके अमर सिंह राठौर बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, एक फिएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए,
मैं दो चार दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोटरसाइकिल का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा कि यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तू निकल नहीं सकता। जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज टू बिलीव इन डेस्टिनी, आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसियरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो सिनेमा जाएगी शुरू हो गई, पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी की रिलीज के एक महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ बांद्रा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था, आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रूपये कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वाकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, हसीना मान जाएगी में वो थे, हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे, तो अपने घर से लाके हमें देते थे। बोले मगर एक हफ्ते में ले लूंगा और हम एक हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वाकर से पूछा कि एक ऑफर है नजाड़ वाले की और एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, उनकी चार ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसा कभी होता है? एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले। निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तरह तरह के काम किए आपने। प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था जी, बिकॉज आई यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पर सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था। तो ये जो जंजीर की हम बात करें, अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे जी, बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। उनकी सारी उम्मीदें थी, वो फिर रंजन की फिल्म बंदेहार बन गई थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत ये, तो फिर मैंने जया से बात की, जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा बाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा बाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, दो ही नाम लिए जाते थे पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे, नहीं मैंने केदार कपूर को बोला है वो बना रहा है। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया, और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मिंदर ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली है इंस्पेक्टर और पठान के आगे? बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रूपये उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार, इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे। और हंसा बहुत वो। मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी ये लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना कीप ऑन चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम
एंड देवदास मेरी तमन्ना थी, इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाया। तो मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे। तो राज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा आनंद बहुत तारीफ करता है, चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा राज जी चार पांच दिन में सेंसर हो जाएगी तो मैं प्रिंट आपको, नहीं 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 मैं थिएटर पर देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुबे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राजी की संगम है, आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता है। हे हे, रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं। जी हाँ, इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं। और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे, इस उम्मीद के साथ अब इजाजत लेते हैं, क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है, बस तो निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में। और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत, तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। शाम सिंदूरी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।
Thank you.